नमस्कार। सो आज मैं IDTS डेंटल कॉलेज BDS कॉलेज के आया हूँ। एक्चुअली मैं अभी फैमिली के साथ हरिद्वार गया था और मैंने बहुत सुना था इस कॉलेज के बारे में, तो मुझे लगा कि चूँकि मैं इस कॉलेज के आगे से गुजर रहा हूँ तो क्यों ना मैं इस कॉलेज में थोड़ा समय बिताऊँ। क्योंकि अदर देन MBBS, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वी आर MBBS एंड BDS एंड वी आर अ करियर काउंसलर, ओके। और मैं आपको जानबूझकर भी बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ, ये है कॉलेज का मेन गेट, आप मेरे पीछे देख पाएंगे। लेकिन मेरे पीछे जो आप इस समय देख रहे थे ये है हाईवे, ये ओल्ड दिल्ली मेरठ हरिद्वार हाईवे है। रिमेंबर, अब तो बड़ा फेमस मेरठ वाला वो बन गया है ना एक्सप्रेसवे, तो अगर आप पुरानी रोड पे आएंगे तो ये वो है। और ये जो आपको ऊंचा सा नज़र आ रहा है पुल, वो पुल नहीं है, वो बेसिकली RRTS है। आपने सुना होगा जो रैपिड रोड रेल ट्रांसपोर्ट बन रहा है, ये उसका है। अब जैसे मैं आपको कहूँ भाई डेंटल कॉलेज ही है तो उसका गेट बंद क्यों है? सो नाउ दिस इज़ द सेकेंड इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पेशेंट्स एंट्री कर रहे हैं और ये चूँकि है ये डेंटल कॉलेज, लेकिन डेंटल कॉलेज होने के बावजूद ये पीछे देखिए, पहली चीज़ तो यही है कि यहाँ पर BDS और MDS दोनों हैं, ठीक है। BDS की 100 सीटें हैं, MDS की 31 सीटें हैं। MDS में 9 स्पेशलाइजेशन होती हैं, इसमें 8 हैं। सो बच्चों को जो डेंटल करने आ रहे हैं BDS MDS दोनों का बेनिफिट मिलेगा। बट दिस इज़ दी इंटरेस्टिंग थिंग, और मैं अगले गेट पे आया हूँ। जी हाँ, इस कॉलेज के अंदर अपना हॉस्पिटल है, एंड दिस इज़ नॉट दी ओनली डेंट, दिस इज़ नॉट कि सिर्फ डेंटल हॉस्पिटल है। ये देखिए पूरा, इट इज़ बेसिकली जनरल हॉस्पिटल, जी हाँ। सो वेरी सरप्राइजिंग, पहली बार देखा मैंने, और अब मैं एंट्री कर रहा हूँ कि जनरल हॉस्पिटल चल रहा है। इट इज़ नॉट दैट कि सिर्फ BDS है तो डेंटल कॉलेज है, और हम डेंटल OPD में भी जाएंगे। सुबह का टाइम है इस समय, और आपको थोड़ी सी लेफ्ट में दिख रहा होगा बहुत बड़ा DPS, वो जो रेड बिल्डिंग है, मैं पास से दिखाता हूँ। ये जो DPS मोदी नगर है, ये भी इन्हीं ग्रुप का है, मतलब जो ओनर है उन्हीं ने फ्रेंचाइजी ले रखी है, जिसका एक एडवांटेज मिलता है स्टूडेंट्स को कि जो हॉस्टल्स में रहते हैं तो DPS मोदी नगर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक स्पोर्ट्स ग्राउंड जिम फैसिलिटी वगैरह, वो सब इस कॉलेज के बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली स्कूल ख़त्म होने के बाद, मतलब 2 बजे के बाद, ओके। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये है जनरल हॉस्पिटल मेरे ठीक पीछे। सो नाउ दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी रेयर, ये आप पीछे देख रहे हैं मेरे, तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी रेयर इन ए डेंटल कॉलेज। फिर से नोट कीजिए, ये दीवार है कॉलेज के अंदर खड़ा हूँ मैं, और ये पहली बार आप देखोगे कि कॉलेज के अंदर मेडिकल हॉस्पिटल है, जी हाँ। तो मैंने पूछा कि ये क्यों चाहिए हमें, इसकी ज़रूरत क्या है, तो आई लर्न्ड कि थर्ड और फोर्थ ईयर में BDS के हमको जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी की भी क्लिनिकल रोटेशन कराई जाती है। अब उसकी वजह से जितने भी इंडिया में BDS के कॉलेज होते हैं दे हैव टू टाई अप विद द मेडिकल हॉस्पिटल। अब टाई अप तो टाई अप होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया, या स्पेशली अगर मैं UP की बात करूँ या मैं NCR की बात करूँ, सबसे पहले तो देखिए मोदी नगर को अब हम पार्ट ऑफ NCR मान सकते हैं। तो कभी कभार लोग ना मुझसे पूछते हैं सर NCR में कौन से कॉलेज हैं, तो हम बात करते थे PDM बहादुरगढ़, या हम बात करते थे SGD गुड़गावा, या लेट से मानव रचना या सुधा रस्तोगी फरीदाबाद, या हम बात करते थे ITS मुरादनगर। लेकिन ये जो RLTS बन रही है और ये जो कनेक्टिविटी हो चुकी है, आई थिंक फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस नाउ मोदी नगर इज़ पार्ट ऑफ NCR। आप ये मान सकते हो कि एक दिल्ली का, खासकर ईस्ट दिल्ली में रहने वाला बच्चा, तो इस कॉलेज में अपने, जब ये ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी इन द नेक्स्ट 1 ईयर, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 2023 बैच में स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इस साल भी जो एडमिशन लेगा, 1 साल आप हॉस्टल में रह सकते हो, हॉस्टल में हमेशा रह सकते हो, लेकिन आप अगले साल से तो पक्का दिल्ली से 45 मिनट के अंदर इन ए वेरी लो कॉस्ट यहाँ पहुँच सकते हो। सो जो लोग डेली अप डाउन करना चाहे वो भी कर सकते हैं, और जो लोग हॉस्टल में रहना चाहे वो हॉस्टल में तो रह सकते हैं, हॉस्टल की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, वहाँ भी मैं आपको लेके जाऊँगा। अब ये इनका जो पूरा प्रॉपर हॉस्पिटल है ये कॉलेज के अंदर है, दैट मीन्स इनका टाई अप अपने आप से ही है।
दे डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन ए एक्सटर्नल पर्सन, राइट? सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस और बिगेस्ट एडवांटेज दैट दिस कॉलेज स्टूडेंट गेट, कि जब थर्ड और फोर्थ ईयर में उनको क्लिनिकल प्रैक्टिस अपनी करनी है तो उनको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली जा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। या वो सामने एम्बुलेंस खड़ी मुझे नज़र आ रही है, तीन चार ये पेशेंट बाहर मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कि इट्स अ प्रॉपर रनिंग हॉस्पिटल, राइट? सुबह का टाइम है, और अभी तक मैं आपको डेंटल कॉलेज में नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं आपको हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ, राइट? सो आप मेरे पीछे देखते जाइएगा, ये जो आपको शानदार नज़र आ रहा है, इट इज़ नॉट अ डेंटल कॉलेज, इट इज़ एक्चुअली हॉस्पिटल, राइट? एंड दिस हॉस्पिटल इज़ राइट इनसाइड द कॉलेज। तो इसका जैसे मैंने आपको बताया, एडवांटेज यही है कि बच्चे को पूरी ट्रेनिंग मिलती है। हाँ, तो राइट नाउ हम ओपीडी की रिसेप्शन पे हैं, राइट? एंड हेलो सर, तो विद मी इज़ डॉक्टर अंचिंत। हेलो सर, एंड ही इज़ दी थोड़ा सा ही इज़ हिमसेल्फ इज़ अ मास्टर्स एंड अ फैकल्टी, एंड ही इज़ MDS इन ऑर्थो, राइट? एंड सो ही विल ऑल्सो बी अवर टूर गाइड नाउ फ्रॉम नाउ ऑन, and Dr. Nidhi is also there, who is the principal of the college. But sir, so sir ne mujhe bataya ki it is a very different and unique thing, aur main abhi na yaad karne ki koshish kar raha hu ki maine to kitne aise BDS college dekhe hain jinke andar hospital ho, aur shayad very rare, matlab maulana azad ki to baat chhod dete hain delhi wale ki, lekin fir se uske alawa agar main is belt ki baat karu ya main repeat kar raha hu ki mere to Meerut NCR ho chuka hai, to agar main हरियाणा की कॉलेजों को देखूं, खासकर दिल्ली और आसपास के स्टूडेंट्स के लिए, तो यू आर गेटिंग द क्वालिटी एंड एवरीथिंग ऑफ दिल्ली, एंड यू आर गेटिंग दैट कामनेस, दैट अपनापन ऑफ थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ दिल्ली, राइट? तो यहाँ पर आपको दोनों का मिक्सचर बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है, आई कैन फील इट। और जैसा मैंने कहा, चूँकि हॉस्पिटल इनसाइड है कॉलेज के, तो यहाँ के जो थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी होती है जनरल मेडिसिन में भी, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, टाइम मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो एक होता है, आप समझ सकते हो ना, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर हर जगह चलते हैं, ठीक है कॉलेज के ओनर ने टाई अप कर दिया किसी सामने वाले हॉस्पिटल से, बट वो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन कितने ओपननेस से आपको बुलाती है, आपको एंटरटेन करती है, विज अ विज ये कॉलेज जहाँ पर अपना ही है ना, मतलब घर वाली बात है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि DPS मोदी नगर जो साथ वाली बिल्डिंग है, ये इनकी अपनी है, तो इनको एडवांटेज है कि वी आर यूजिंग द इंफ्रा ऑफ दैट ऑल्सो, जो फुटबॉल ग्राउंड हो गया, जिम फैसिलिटी, बाकी सब चीज़ें हैं, यहाँ पर भी जो हॉस्टल में रह रहे हैं वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द जनरल हॉस्पिटल विच आई वॉन्टेड टू शो यू, और इसमें हर तरह का इलाज होता ही है। एनीथिंग एल्स स्पेशल सर वी वॉन्ट टू कवर हेयर? हॉस्पिटल है, एंड जो हमारे BDS करिकुलम में जो थर्ड ईयर की क्लासेस होती हैं, हाँ जी, वो भी हमारे हॉस्पिटल में ही होती हैं, जनरल मेडिसिन एंड जनरल सर्जरी, राइट? सो वी हैव हॉस्पिटल इन हाउस ओनली, सो दैट इज द एडवांटेज दैट स्टूडेंट्स कैन कम फ्रॉम द डेंटल विंग टू दिस मेडिकल विंग, राइट? दे कैन अटेंड ऑल द क्लासेस एंड दे कैन सी द पेशेंट ऑल्सो, एंड दे कैन सी सम द सर्जिकल प्रोसीजर विच आर बींग कैरिड आउट हेयर, राइट? दे कैन ऑब्जर्व दोज प्रोसीजर, राइट? ग्रेट। एंड चूंकि हॉस्पिटल का टाइम चल रहा है, वी विल नॉट गो इनसाइड समथिंग, आई थिंक सो, राइट? क्लासेस आर आल्सो गोइंग ऑन, राइट? ओके, तो वही हमने बोला कि बच्चे हैं, और आप देख सकते हो पेशेंट्स ये दो खड़े हैं काउंटर पे, सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट अ स्टूडेंट कैन एक्सपेक्ट व्हेन यू आर स्टडिंग हियर। जैसा कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, BDS के अंदर, कॉलेज के अंदर एक जनरल हॉस्पिटल हो, बहुत रेयर होता है ये, और स्टूडेंट्स के लिए जो वीडियो सुन रहे हैं, आपका एक पैरामीटर डिसाइड हो गया, उस BDS कॉलेज को चुनिए जिसके अंदर जनरल हॉस्पिटल हो, सिर्फ डेंटल नहीं, नॉर्मल जनरल हॉस्पिटल हो विद ऑल दी स्पेशलाइजेशंस, सो दैट जो आपका थर्ड फोर्थ ईयर है उसमें बाहर किसी पर डिपेंड ना करें, आपका जो भी काम है वो अंदर हो रहा हो, राइट? सो दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज, वन ऑफ द यूनिक फैक्टर। आप लर्न भी कीजिए, जो इवन साउथ में रहते हैं, जो वेस्ट में रहते हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, आई एम श्योर कि वो गुजरात का बच्चा है, शायद यहाँ पर आना नहीं चाहेगा, पर आप गुजरात के अंदर भी BDS कॉलेज देखें, मतलब मेरे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग है ये, मैं ये नहीं कहूँगा ना मैं हर चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, बट ये बहुत बड़ी लर्निंग है मेरे लिए जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि जब आप अपना BDS कॉलेज चूज़ करें, एक क्राइटेरिया हमेशा ये रखें कि हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल कॉलेज की बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, हॉस्टल्स, फैकल्टी, इंफ्रा, वो तो हर जगह होता ही है। और दूसरा, हम हमेशा कहते ही हैं कि OPD तो अच्छी होनी चाहिए, और अब उस OPD के बारे में बात करेंगे
डेंटल कॉलेज में जाके वहाँ का क्या माहौल इस समय चल रहा है। तो कैन वी वॉक टूवर्ड्स डेंटल कॉलेज, प्लीज़ कम। तो मैं हॉस्पिटल के बाहर निकल रहा हूँ और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं मेन कैंपस के अंदर ही हूँ, लेकिन मैं अब एक एम्बुलेंस खड़ी है इनकी फॉर दी जनरल हॉस्पिटल, IDST के नाम से इनका हॉस्पिटल चल रहा है। और जब तक हम वहाँ पहुँचे इट वुड बी अ 3 मिनट वॉक। लेट मी टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस। तो जैसा मैंने कहा, मोदी नगर बड़ा फेमस है। अगर दिल्ली के लोग हैं वो जैन शिकंजी हम बचपन से पीते आ रहे हैं, और जब मैं बाहर खड़ा था तो जो मेन सिटी है उससे शायद 2.5 या 3 किलोमीटर हम बाहर निकले हैं बस, विच मीन्स यहाँ जो स्टूडेंट रह रहे हैं, देखिए वैसे तो एक्सप्रेस वे से भी आप आ सकते हो, जो मेरठ हाईवे बन चुका है और एक एग्ज़िट लेके यहाँ से 5 मिनट में जैसे मैं आया, लेकिन ये रोड जो है ये अपनी ओल्ड एंड गोल्ड रोड है, पूरी भरी हुई रोड है। सुबह से लेकर रात तक रोडवेज की बसें चलती हैं। जैसा मैंने कहा, बाहर आप विक्रम पकड़िए और आप मेन मोदी नगर शहर में पहुंच जाओगे 2 मिनट के अंदर। और अब मैं जो वॉक कर रहा हूँ, इट इज़ पार्ट ऑफ द कैंपस, राइट। तो हमने जो भी लेफ्ट में बिल्डिंग देखी, ये देखिए ये हॉस्पिटल चल रहा है जो हमने जनरल हॉस्पिटल फ्रंट से देखा था। राइट में कार पार्किंग है, ये वॉल मेरे राइट में चल रही है, इसके उधर कोई दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वेरी वेरी ग्रीन, वेरी वेरी काम, जैसा मैंने कहा। तो ये एडवांटेज है, लोकेशन बहुत अच्छी है। आप जिनसे मिले वो खुद एक यहाँ फैकल्टी भी हैं और ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट के हेड हैं, जो क्योंकि यहाँ पर MDS भी होती है एज आई टोल्ड यू, सो दे हैव गॉट ऑल द PG स्टूडेंट्स, विच अगेन गिव्स लॉट ऑफ एडवांटेज टू द UG स्टूडेंट्स, राइट। सो नॉट ओनली फॉर BDS, आई थिंक जो अब नीट PG काउंसलिंग के थ्रू बच्चे MDS के लिए भी आएंगे, आई थिंक इट सीम्स टू बी वेरी वेरी गुड ऑप्शन। और जैसा मैंने कहा, पहला क्राइटेरिया यही था कि आपको यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलता है, क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, राइट। और अब मेरे पीछे आया जो मेन डेंटल कॉलेज है, तो अब आप देखेंगे ये आपको नज़र आना शुरू हो गया, डेंटल कॉलेज। लुक एट द बिल्डिंग, ओके। सो दिस एंटायर बिल्डिंग इज डेंटल कॉलेज। और डेंटल कॉलेज के साथ में सामने मुझे नज़र आ रही है जो इनकी OPD अलग सेक्शन है। सो डेंटल कॉलेज और साथ में डेंटल OPD है, और इसके ठीक पीछे हॉस्टल है। तो जैसा मैंने कहा कि इट्स ए गुड कोहेसिव कॉम्प्रिहेंसिव वट एवर वी वॉन्ट टू कॉल इट कैंपस, ग्रीन कैंपस। मेरे लेफ्ट राइट में आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट है, काफ़ी आराम ऐसा फील होता है जैसे आपको। तो वी आर एंड नाउ आई एम एंटरिंग द मेन कैंपस, मतलब मेन कॉलेज। अभी OPD में बाद में पहुँचेंगे, पहले मैंने एंट्री करी कॉलेज में। एंड सो दिस इज़ यू नो ऑलवेज अभी से गुड लक, फिर आपको दिखा देता हूँ। तो ठीक पीछे गणेश जी और शिव जी की मूर्ति है, पद्मश्री डॉक्टर गांधी जी की पीछे फ़ोटो है, जो कि इस कॉलेज के इन्वेंटर ओनर थे। इस समय मैं मेन डेंटल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर घूम रहा हूँ, ओके, यस। एंड नाउ आई वॉन्ट टू शो यू द प्रिंसिपल ऑफिस, एंड वी विल हैव अ स्मॉल टॉक विद हर ऑल्सो। एंड जस्ट लुक एट द अगेन द साइज ऑफ द ऑफिस। हेलो मैम, एंड शी इज़ डॉक्टर निधि, एंड बनिया बनिया भाई बहन हो गए हम। तो जनरली एज ए कॉल ना बनिए लोग सिंसियर होते हैं, तो शी ऑल्सो कम्स फ्रॉम दिल्ली। तो अभी बात हो रही थी तो मैम ने बताया। तो मैम आप वैसे किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो खुद? मैं पूरा मेरा BDS और MDS KGMC लखनऊ का पढ़ा हुआ है। ग्रेट, सो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री। और मेरी स्पेशलाइजेशन है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में। ग्रेट, छोटे बच्चों के जो दांत होते हैं उनको ठीक करना, हिंदी में ऐसे समझते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, तो मैम आई होप कि दिस कॉलेज, मैम का जो खुद की पेडिग्री है, और हम सब जानते हैं KGMU मतलब चाहे वो MBBS हो चाहे MDS BDS हो, दोनों में इंडिया के टॉप 5 में आता है। आई होप यू डोंट माइंड मी सेइंग टॉप 5 नॉट टॉप 1। अब इतने कॉलेजेस हो गए हैं कि वो टॉप 5 हो गया, वरना अपने टाइम में तो 1 भी था। ओनली कॉलेज, मैं मानता हूँ। नहीं, मैंने जब टॉप 5 बोला मैंने UP नहीं कहा, मैं मौलाना आजाद से भी कंपेयर कर रहा हूँ। तो मौलाना आजाद को BDS को जोड़ के बता दूं कि जो हमारे फाउंडर चेयरमैन थे पद्मश्री डॉक्टर LK गांधी सर, वो भी BDS KGMC के थे, ओके। और उनके जो सन हैं डॉक्टर विक्रम गांधी, वो भी KGMC के ही BDS है। तो जो क्लिनिकल हमारा ओरिएंटेशन है बच्चों को वो वहाँ से सीखा हुआ है। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, देखिए तो शायद हमें ये दूसरा
ट्रिक मिला, जैसे हमने एक चीज़ सीखी थी वहाँ पर, नई चीज़ मगर मुझसे पूछो तो मैं हमेशा कहता हूँ ना फ्रेंड्स, लोकेशन, फूड, कल्चर, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो भी ज़रूरी है होना, तभी हम नॉर्थ के बच्चे साउथ में नहीं जाते एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर एक चीज़ हमने क्या सीखी आज, हॉस्पिटल अंदर होना चाहिए कॉलेज के, जनरल हॉस्पिटल। सेकेंड थिंग जो मैम ने शायद हाईलाइट करी कि स्पेशली वेन इट कम्स टू प्राइवेट कॉलेजेस, चाहे BDS चाहे MBBS, हु इज़ योर मेन फाउंडर, क्या वो मेन फाउंडर एक हार्डकोर बिजनेसमैन है जिसको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, एंड द ओनली रीज़न द कॉलेज इज स्टार्टेड एंड द हॉस्पिटल इज स्टार्टेड इज टू मेक मनी, या वो खुद उतने पढ़े लिखे हैं को मोटिवेट करते हैं। हाँ, बच्चे जो निकले वो इतने बढ़िया होने चाहिए एजुकेशन वाइज, एक हाँ, एक बच्चे की एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, राइट right. और वो उसी से आ रहा ना मैम कि वो हाँ, आप लोग और वो हाँ, कहाँ से खुद पढ़े हुए हैं, बिकॉज यू हैव स्टडी टू द बेस्ट कॉलेज, आई एम श्योर कि यू वॉन्ट टू मेक दिस इंस्टीट्यूट एंड द सेम लाइन्स, राइट। एंड थैंक्स लॉट फॉर योर टाइम मैम, और अब मैं आगे चलता हूँ, लेकिन जैसा कि आपने सीखा कॉलेज के फाउंडर, उनके बेटे और प्रिंसिपल तीनों KGMU लखनऊ के हैं, तो नाम उसका बड़ा है बट आई एम श्योर IDTS आपको वही फैसिलिटी देना चाह रही, IDST आपको वही फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहा है जो KGMU में आप सीखते हो, राइट। एंड आई एम श्योर आप वो कर रहे हो और करते रहोगे, थैंक्स अ लॉट, फिर मिलते हैं। तो आगे चलते हैं, हाँ, सो हम मेन से हमने एंट्री की थी, और जैसा मैंने आपको कहा अगेन सेकेंड थिंग हमने क्या सीखी कि जब भी आप प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हो, लुक एट कि कौन उसको चला रहा है। जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जो आपका काम कर रहा है, जब हम ऐसे काउंसलर आपके लिए काम करते हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपके लिए काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इट इज़ ओनली टू मेक मनी, या पर्पज़ ये है कि भाई मुझे बच्चों का करियर भी बनाना है, मुझे बच्चों के लिए अच्छा करना है, राइट। एंड नाउ वी विल एंटर द थर्ड बिल्डिंग which we always say is the pioneer or the core concept, which is a separate dental OPD department, okay? So that is where now I am entering, and as I enter I can see many patients sitting actually right here. Look at my back, look at the back. So jitni seatein hain mujhe takriban sari full nazar aa rahi hain. And right now the time is exactly 11 AM. अभी ज़्यादा दिन स्टार्ट हो रहा है, and all around me it's the main reception desk, and you can see a queue here, right? So once again very nice. और चूँकि MDS कॉलेज भी चला रहे हैं, डिपार्टमेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट डिपार्टमेंट, ये हमारा पहला डिपार्टमेंट है जिसमें आके हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं, जो न्यू पेशेंट्स आ रहे हैं ओके पे चेक किया जाता है, उसके बाद उन पेशेंट्स को रेफर किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो सर इसका नाम क्या होता है वैसे? ये ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ MDS का एक स्पेशलाइजेशन होती है ओरल मेडिसिन, इट इज लाइक MBBS की वो नॉर्मल मेडिसिन वाला, हाँ, बट माउथ से रिलेटेड, माउथ से रिलेटेड। तो उसमें सारा हम उन चीज़ों को चेक करते हैं, एंड उसके बाद जैसे अभी पेशेंट को चेक किया जा रहा है यहाँ पे, यस, एंड लेट्स लुक एट दिस इज द वेटिंग आउटसाइड, एंड सर हैज़ अलाउड मी टू एंटर, दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ डेंटल क्लिनिक, एंड देर आर 3 ट्रीटमेंट्स विच आर हैपनिंग करंटली, कैन यू सी इट, अमेजिंग अमेजिंग, लुक एट द क्वालिटी, लुक एट द क्वालिटी ऑफ डेंटल चेयर्स विच इज कोर ऑफ दिस एंटायर थिंग, एंड नाउ वी कैन सी स्टूडेंट्स ऑल्सो, सो सर दिस बिकम्स द कॉमन एरिया भी, हाँ जी, दिस इज वेयर वी आर चेकिंग ऑल द पेशेंट्स, एंड देन एक्सरे इज रिक्वायर्ड तो उनका एक्सरे करके एंड देन हम उनको दूसरे डिपार्टमेंट में रेफर करते हैं, हाँ जी, राइट राइट राइट। सो वो जो बता रहे थे जिसके दांत टेढ़े हैं तो ऑर्थोडोंटिक में आएगा, हाँ, बच्चों वाले, जिनको बच्चों वाले में जाएगा, तो जिनके दांतों में कैविटीज हैं वो कॉन्जर्वेटिव में जाएगा, तो इसी तरह जिन जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं जिनको डेंचर की रिक्वायरमेंट है या इम्प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, हाँ जी, वो फिर प्रोस्टो में जाएंगे, जो जिनको एक्सट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है वो ओरल सर्जरी में जाएंगे, गॉट इट। एंड एज आई सेड वंस अगेन जस्ट लुक एट द क्राउड, और जो हम बात कर रहे थे, ये डिपार्टमेंट जो है ये हेडेड बाय हैं डॉक्टर शालू राय, ओके, शी इज सिटिंग राइट हियर, ओके 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 ग्रेट, एंड हेलो मैम, सो वी कैन मीट और सी डॉक्टर शालू, एंड सर वाज टेलिंग अस दैट शी इज़ द पर्सन हु इज़ हेडिंग दिस डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन, राइट,
जितना मैंने सीखा पहली बारी में, इट इज़ लाइक MBBS का जनरल मेडिसिन का इक्विवेलेंट इन डेंटल, राइट? कि योर जॉब इज टू डू द मेन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ ओरल म्यूकोसल लेशंस, राइट, एंड रेडियोलॉजी पार्ट वेयर वी आर डीलिंग विद द 2D एज वेल एज 3D, राइट? सो ऑल थिंग इज डन हियर एंड वेरी वेरी गुड टू नो. आई सेड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम फॉर योर टाइम. थैंक यू सर एंड वंस अगेन. So, in the radiology part, we have a 2D X-ray also, which is routinely done at each and every clinic. Right. Same we are doing here to diagnose the problems. Right. And हमारे पास एक 3D X-ray भी है, that is known as CBCT. Okay. तो उसमें क्या होता है? We take a full 3D X-ray. Right. पूरा का पूरा हमें कोई भी lesion है या कोई भी दांत अंदर अगर हड्डी के अंदर है, तो हम उसे proper 3D view के अंदर देख सकते हैं. ओके ओके. तो ये अभी एक लेटेस्ट सो सर आप बता रहे थे, सो दीज आर, लुक एट दिस गाइस, सो दिस इज जो सर ने डिपार्टमेंट रहा था, दीज आर 8 फैकल्टीज इन दिस डिपार्टमेंट ओनली, राइट? तो आपने कहा था डॉक्टर शालू राय की, सो दिस इज नॉट द ओवरऑल डिपार्टमेंट, दिस इज ओनली फॉर ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी. वी हैव 8 डॉक्टर्स राइट हेयर, 8 डॉक्टर्स. सो अगेन दैट टेल्स अस द नंबर ऑफ फैकल्टी, द क्वालिटी, वंस अगेन वेरी अमेजिंग. ओके. तो इसमें इफ कोई भी पेशेंट ओरल मेडिसिन से रेफर होता है, हाँ जी, और वो रेफर हुआ है, उसको कोई हैबिट है टबैको च्यू करने की, तो हम उसको पूरा इंस्ट्रक्शंस उनको उसको गाइड करते हैं कि क्या इल इफेक्ट्स हैं इसके, उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंटेशंस हैं कि इस हैबिट से आपको ये इश्यूज हो सकते हैं. जैसे काफ़ी सारे आज के डेट में आपने सुना होगा कैंसरस लीजन्स हैं, राइट, जो माउथ कैंसर्स वगैरह, राइट राइट राइट, तो वो हैबिट से होता है. तो हम उनको काउंसिल करते हैं यहाँ पे, और काउंसिल करके हम उनके कुछ कई बार कुछ मेडिकेशंस हैं, कई बार कोई लीजन्स जो स्टार्ट हो गए हैं, right. तो उनका बायोप्सी होना है, मतलब उन्हें चेक करना है हमें, तो वो हम यहाँ लेते हैं. फिर हमारा जो एक डिपार्टमेंट है ओरल पैथोलॉजी, वहाँ पे हम वो बायोप्सी भेजते हैं, राइट, एंड प्रॉपर उसकी जो हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से फिर हम आगे ट्रीटमेंट प्रोग्रेस करते हैं. Excellent, excellent, excellent. So you are also helping people to leave tobacco? It happens? Yes, yes. Call it, because that is according to DCA also, it is a very, very important task. Okay. तो ये हमें हम इसके लिए अलग से camps भी लगाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा remote areas में लोगों को बहुत सारा habits वगैरह होता है, खासकर तंबाकू खाने की, सूखा खाने की जो habits हैं, तो हम उनको posters के through उसको कुछ pamphlets के through हम उन्हें पहले educate भी करते हैं, presentations भी लगाते हैं कि इससे ये इफेक्ट्स हो सकते हैं, सो दैट वो अपना हैबिट किसी लेवल तक क्विट करते हैं. एक्सीलेंट. सो एक और डिपार्टमेंट आ गया, सो दिस बिकम्स डिफरेंट, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, दिस इज एन ओरल एंड, सो दैट्स अ डिफरेंट स्पेशलाइजेशन इन MDS. सो नाउ दैट इज डायग्नोसिस वाला जो, हाँ हाँ, ये है सर्जिकल पार्ट, सर्जिकल पार्ट एक्शन. हाँ, इसमें हम जितने भी फ्रैक्चर्स हैं, ट्रोमा केसेज हैं, रोडसाइड एक्सीडेंट केसेज हैं, एक्सट्रैक्शन के केसेज हैं, तो ये सारे केसेस इस यहाँ पर आते हैं. इस डिपार्टमेंट में हमारे साथ एक बेनिफिट है, आपने हॉस्पिटल देखा, हॉस्पिटल में भी हमारा ऑपरेशन थिएटर है, राइट, हमने इस डिपार्टमेंट के लिए भी हमारा एक्सक्लूसिव OT है, OT सेपरेट.